हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ऐसे ही हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे, अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है सल्फर कोटेड यूरिया कंटेन। ठीक, तो सल्फर, पहले तो अब ये जानिए सल्फर कोटेड यूरिया क्यों यूज़ कर रहे हैं। सल्फर कोटेड यूरिया इसलिए करते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन जितने भी फर्टिलाइज़र रहते हैं जैसे कि यूरिया, वो क्या रहता है, एक तो यूरिया किसमें एमाइड फॉर्म में रह रहा है, ठीक, और यूरिया बहुत ज़्यादा मतलब मोबाइल होता है और बहुत जल्दी जैसे उसको एप्लीकेशन करते हैं तो वो मोबाइल नेचर के कारण क्या होता है, उसका लीचिंग आउट हो जाता है और वो प्रॉपरली प्लांट को नहीं मिल पाता। इसलिए हम नाइट्रोजन की हम लोग दो स्प्रेड डोज देते हैं, एक तो जब हम लोग जस्ट प्लांटिंग करते हैं, जब सोइंग कर रहे हैं और उसके बाद देते हैं, ठीक है, जब कुछ टाइम बाद। और लेकिन जो फॉस्फोरस और पोटास रहता है ये मतलब इतने मोबाइल नेचर के नहीं रहते हैं, मोबाइल रहते हैं और ये जहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं वहीं पे ये बने रहते हैं और प्लांट्स को प्रॉपरली मिलते हैं, लीचिंग आउट इतना नहीं होता इनका। इसलिए मतलब इनको जो पोटास और फॉस्फोरस जो फर्टिलाइजर है उनको हम लोग एक ही स्प्लिट डोज में देते हैं, इसको मतलब इसको डायरेक्टली एक ही डोज में देते हैं, स्प्लिट नहीं करते इसका। सो सल्फर कोटेड यूरिया इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि लीचिंग हो रहा है, तो लीचिंग को कंट्रोल करने के लिए स्लो रिलीज नाइट्रोजन है ये। क्या होता है जब सल्फर कोटेड यूरिया जो रहता है वो स्लो रिलीज करता है नाइट्रोजन का, ठीक है, तो इससे लीचिंग आउट का जो प्रॉब्लम है ये कम हो जाता है। तो जो जो सल्फर कोटेड यूरिया रहता है उसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंट रहता है, उसमें नाइट्रोजन का परसेंट रहता है 33%। ठीक, तो राइट आंसर जो रहेगा वो सेकेंड 33% होता है। सेकेंड इज द ग्रेनाइट, इज अ ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक की अग्नेश की सेडिमेंट्री की नन ऑफ दिस। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या है, ग्रेनाइट होता है। ओके, देन नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ पायराइट। ठीक, जो पायराइट है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है FeS2। ये क्वेश्चन पूछ मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं जब सॉइल साइंस का जो भी पोर्शन कवर करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो जो इसका राइट आंसर है फेरस सल्फेट FeS2, ठीक, पायराइट का। एंड नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू, सॉइल की फर्टिलिटी क्यों कम हो रही है, क्यों रिड्यूस हो रही है, तो उसका कारण क्या है कि ओवर इरीगेशन हम लोग कर रहे हैं, पुअर ड्रेनेज है, कि इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर और कंटिन्यूस क्रॉपिंग। हाँ, कंटिन्यूस क्रॉपिंग करने से हो रही है और हमको यहाँ पे ये समझना है कि हर ये जो चारों ऑप्शन है इससे कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी हमारी डैमेज हो रही है। बट हमको ऐसा आंसर में मतलब ऐसा आंसर चूज़ करना है या ऐसे आंसर पे टिक करना है जिससे सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम चारों तो नहीं लगा सकते, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि ऑल ऑफ दिस, ठीक। तो यहाँ पे हमको हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, क्यों यूज़ कर रहे हैं, हायर प्रोडक्शन के लिए, और सबसे ज़्यादा केमिकल मतलब फर्टिलाइजर यूज़ करने के कारण हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसमें इम्बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, इम्बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि हम प्रॉपर इतना प्रोडक्शन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमको पता है कि आइडल डोज है, इतना न्यूट्रिएंट का हमको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हमको एक प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लालच है, इस कारण हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कर रहे हैं और जो जो आइडल जो रेशियो है उसको कभी फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए मतलब सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर मेजर, जो एनीमोमीटर रहता है वो क्या मेजर करता है, तो वो क्या मेजर कर रहे हैं, जो विंड की वेलोसिटी रहती है ना, तो उसको मेजर कर रहा है, ठीक है, किसको, विंड की वेलोसिटी को। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देन नेक्स्ट है डैम्पिंग ऑफ डिसीज ऑफ वेजिटेबल नर्सरी कैन बी कंट्रोल बाय, जो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नर्सरी जब स्टेज रहता है प्लांट का तो कौन सा डिसीज सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो इसमें इसका आंसर, इस क्वेश्चन में आंसर भी छुपा है। डैम्पिंग ऑफ जो रहता है नर्सरी स्टेज में प्लांट को बहुत लॉस करता है, ठीक। तो ये JRF में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप प्लांट साइंस JRF दे रहे हैं तो। एंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सोलराइजेशन भी राइट आंसर है, मिक्सिंग ऑफ फंगिसाइड इन सॉइल और सीड ट्रीटमेंट, सभी प्रकार का है, हम कंट्रोल एक मतलब इंटीग्रेटेड कंट्रोल करेंगे तब जाकर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस
सोलराइजेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और फंगीसाइड को सॉइल में मिक्स करके भी हम अगर एप्लीकेशन करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। अब वो आपके सुविधा के ऊपर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं या फार्मर कौन सा यूज़ कर रहा है, तो हम इसमें चारों ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, देन मतलब ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट है विप्टल इन अ डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये तो डिफिशियंसी ऑफ मॉलिब्डेनम के कारण होता है, ठीक है, जो विप्टल होता है और कॉलीफ्लावर में होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब आता ही है मोस्टली एग्जाम में, ठीक। जिंक की डिफिशियंसी से राइस में खैरा डिसीज हो जाता है, ठीक है, बोरॉन की डिफिशियंसी से जितने भी जैसे बेरी वाले क्रॉप है, मीन्स टू जिसमें बेरी वाले फ्रूट आते हैं जैसे कि टोमेटो है ना, ये सब इसमें क्या होता है कि फ्रूट की जो क्रैकिंग होती है या फ्रूट का डिसकलरेशन हो रहा है, वो सब जो मोस्टली होता है ये बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है, क्योंकि बोरॉन इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट। ओके, तो अगर बोरॉन की कमी रहेगी तो क्वालिटी ऑफ फ्रूट इज़ डिक्रीज। एंड पोटेशियम, तो अगर हम पोटेशियम का बेसिकली एप्लीकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक प्लांट में डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज द कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन, प्रेजेंट लाइकोपिन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है टोमेटो में, इसलिए जो टोमेटो का कलर रहता है वो हमको रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट इज द मास सॉरी मैस्टिटिस इज अ डिसीज ऑफ विच ऑर्गन, ठीक, से कौन से ऑर्गन का मास्टिटिस एक डिसीज होता है, तो उदर जो रहता है, और ये शायद ना एनिमल्स में पाया जाता है, ओके, एनिमल्स में उदर जो रहता है उसमें ये डिसीज होता है, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेस्ट्रम शुड बी फेड टू न्यू बॉर्न क्लेव्स फॉर, जो न्यू बॉर्न गाय का बेबी रहता है मतलब गाय का बछड़ा रहता है, उसको हमको कितना कोलेस्ट्रम जो रहता है देना चाहिए, ठीक, क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो हमको सॉरी क्वेश्चन ये है कि कोलेस्ट्रम शुड बी फेड टू न्यू बॉर्न कॉल्स फॉर 10 डेज के लिए, ठीक है, 10 दिन के लिए उनको फीड देना, जो न्यू बॉर्न रहते हैं, ठीक है, हम ओल्ड को नहीं बोल रहे, न्यू बॉर्न जो बच रहा है उनको 10 दिन के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट है टोडा इज ब्रीड ऑफ, टोडा कौन सा मतलब जानवर का ब्रीड है, मतलब तो वो है बुफेलो का, टोडा जो है वो बुफेलो का होता है। और नेक्स्ट है मास्टिटिस एनिमल इज ड्यू टू द, एक तो हमने अभी पढ़ा था मतलब वो डिसीज किस में हो रही, कौन से ऑर्गन में हो रही, तो उधर था, बट किसके मतलब किस कारण से हो रही, ड्यू टू विच रीजन, सो वो हो रहा है बैक्टीरिया और वायरस, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया और वायरस जो है इसके कारण ये हो रहा है एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, ठीक, तो मतलब ऑप्शंस हैं आपके एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस, एलोगेमी एंड ऑटोगेमी। एलोगेमी तो नाम से है कि इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ऑटोगेमी में क्या हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, ठीक, जो भी हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। एपोमिक्सिस तो एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है जिसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीडलिंग का डेवलपमेंट हो रहा है बट उसमें दो गैमेट्स आपस में फ्यूजन नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो ये तो इसका राइट आंसर होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड करता है एलोगेमी को क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर, ठीक। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन है इन इंडिया जीन बैंक ऑफ वीट इज लोकेटेड, इंडिया में जो वीट का जीन बैंक है वो है करनाल में, ठीक, क्योंकि जो रिसर्च चल रहा है, इक्विप चलता है वीट का, वो करनाल में ही चलता है, लुधियाना ये सब में, और राइस का चलता है क्या बोलना चाहिए, राइस का जो इक्विप चल रहा है वो हैदराबाद में रहता है, लेकिन राइस का इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये फिलीपींस में है, ठीक है, और जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट है ट्रू पोटैटो सीड, ठीक, ये जो टेक्निक है TPS, उसको ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक इज रिलेटेड टू पोटैटो, आप फुल फॉर्म जान जाएंगे तो आप आंसर जान जाएंगे, तो आप जब भी क्वेश्चंस कभी पढ़ते हैं तो जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म रहता है आप कोशिश कीजिए कि आप उसका फुल फॉर्म हमेशा जानते रहें, ठीक है, क्योंकि कई बार आंसर फुल फॉर्म में ही छुपे रहते हैं। सो इसका पोटैटो क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको जब वायरस फ्री मतलब प्लांट प्रोडक्शन करने रहते हैं तो हम ये टेक्निक को यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, दैट इज SRI, इस टेक्निक यूज इन
देखिए आप नाम से ही समझ गए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो किस में यूज़ कर रहे हैं, राइस बोल रहे तो राइस में ही यूज़ करेंगे, ठीक। और इसमें क्या होता है कि हम 12 दिन जब हो जाता है तब सीडलिंग को ग्रो कर देते हैं। नर्सरी में जब 12 दिन की सीडलिंग होती है तब उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये 12 दिन, ये भी आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि कब जो मतलब SRI मेथड जब यूज़ करते हैं तो सीडलिंग को कब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो 12 डेज की जब हो जाती है तो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसका ये रहता है कि हम इसमें कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें प्लांटिंग का, और प्रॉपर इंटरकल्चर ऑपरेशन करें, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जो एप्लीकेशन है मतलब वो सिस्टम को अपनाए। तो प्रोडक्शन क्या होगा, राइस का ज़्यादा होगा, और डिसीज इंसेक्ट ये सब का अटैक कम होगा, वीट का अटैक कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जोन क्लासिफाइड बाय ICAR। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो होता है वो बेसिकली 15 है, ठीक है। बट ICAR ने जो डिवाइडेशन किया है वो उन ICAR ने किया है, सॉरी ये गलत, नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिकल जोन क्लासिफाइड बाई रिस्पेक्टिवली ICAR। ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं क्योंकि मुझे इसमें डाउट हो रहा है। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेनली बीन सक्सेसफुल फॉर, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हुआ है बेसिकली वीट के लिए। हम कभी कभी राइस और वीट दोनों आता है ऐसे क्वेश्चन आंसर में, क्या आता है ऑप्शन में, राइट एंड वीट, सॉरी राइस एंड वीट, वीट और मेज ऐसे। बट आप मेज अगर एकदम मेनली पूछेगा तो आप प्लीज़ वीट पे लगाइएगा, राइस एंड वीट बहुत मत करिएगा, क्योंकि बेसिकली डॉल्फिन जीन जो आया था Norrington वो वीट का था। एंड किसने किया था, तो इंडिया लेवल पे हमारे जो ना क्या बोलना चाहिए, ना MS स्वामीनाथन जी ने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। एंड जो नेशनल लेवल वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था, ठीक। गटेशन ऑकर इन प्लांट थ्रू, गटेशन जो होता है मतलब जो लॉस हो रहा है वाटर का, एक टाइप है वाटर लॉस का ये भी, ठीक है। तो वो किसके द्वारा होता है, ये स्टोमेटा के द्वारा भी हो रहा है और हाइड्रोथोर्स रहते हैं उसके द्वारा भी। तो आंसर में आएगा बोथ ए और बी। नेक्स्ट इज द स्टोमेटा ओपन एट नाइट इन, ऐसा कौन सा मतलब प्लांट रहता है C3C4 स्कैम कि जिसमें स्टोमेटा जो रहता है वो नाइट्स में ओपन होता है। तो जो कैम प्लांट्स रहते हैं उसमें नाइट में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए रेगिस्तान में जो प्लांट रहते हैं उन वो सर्वाइव कर लेते हैं कम वाटर में, क्योंकि उनमें स्टोमेटा जो रहता है वो नाइट में ओपन हो रहा है। अगर वो दिन में ओपन होगा तो पूरा वाटर का ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, सो प्लांट कैन नॉट बी सर्वाइव इन दैट सिचुएशन। ओके, सो इट इज मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो प्लांट का स्टोमेटा वो नाइट में ओपन हो। लिविंग सेल आर नॉट एसेंशियल फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग सेल्स जो होते हैं एसेंशियल नहीं होते, एवोपोरेशन के लिए हमको लिविंग सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, लिविंग सरफेस से लाइक लीफ से, ठीक है। बट एवोपोरेशन सॉइल सरफेस से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, ठीक है, मतलब नदियों से हो रहा है, सागर से हो रहा है, सी से हो रहा है, और हमारे जो सॉइल सरफेस है वहाँ पर मॉइस्चर एवोपोरेट हो जाता है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन आर प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ, ये किसका प्रोटीन कंपोनेंट है, ये रहता है एक्टिन फिलामेंट्स का भी, माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी और इंटरमीडिएट। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो आप मेरा देखिएगा जिसमें मैंने सेल एंड सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, मैंने ये इसके बारे में भी डिस्कस किया कि एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट ये सब क्या है, आप प्लीज़ वॉच कीजिए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, पहला सॉरी जो ब्लाइट हुआ था शुगर केन में वो किसकी डिफिशियंसी से हुआ था, वो हुआ था मैग्नीज की डिफिशियंसी हुई थी, दैट्स वाई वो कॉज हुआ था। ओके, परसेंटेज ऑफ P2O5 जो फॉस्फेट को फॉस्फोरस को हम P2O5 के रूप में देते हैं, तो उसका परसेंट कितना रहता है पेलोफास, ठीक, जो एक फर्टिलाइजर है उसमें कितना रहता है, तो वो रहता है 11%, ठीक, कितना रहेगा 11%। देन ये सब जो परसेंटेज है मतलब उसको तो आपको याद करना पड़ेगा कि कितने कोई फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का कितना कंटेन है, फॉस्फोरस का कितना कंटेन है, पोटास का कितना कंटेन है, बट जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं उसका याद रखिए, तो ये आपके लिए इजी होगा। और आप बेटर ये होगा कि आप उसको चार्ट फॉर्म में अपने कॉपी में बनाइए और आपको उसको याद करिए, तो आपको याद करने में भी बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट, कौन सा ऐसा मतलब है इस चार ऑप्शंस में से जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक।
वो एस सल्फर जो होता है वो सेकेंडरी न्यूट्रेंट होता है, ओके। नाइट्रोजन जो होता है वो प्राइमरी न्यूट्रेंट है। पोटास इज ऑल्सो प्राइमरी न्यूट्रेंट एंड फॉस्फोरस इज ऑल्सो प्राइमरी न्यूट्रेंट। सो क्या होगा आंसर? फर्स्ट दैट इज सल्फर, और मैग्नीशियम जो रहता है वो क्या रहता है? सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स रहते हैं, एंड कैल्शियम इज ऑल्सो सेकेंडरी न्यूट्रेंट। देन नेक्स्ट इज द विच ग्रुप ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा प्लांट सॉरी न्यूट्रेंट रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम हेल्प करता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व रहता है? सो राइट आंसर इज द फॉस्फोरस, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। ये जो तीनों रहते हैं, मॉलिब्डेनम इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय कौन सा न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट जो रहता है, माइनर न्यूट्रेंट जो इंपॉर्टेंट रहता है, तो मॉलिब्डेनम है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, एंड फॉस्फोरस भी रहता है, सल्फर भी रहता है। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नोन एज द किसान खाद। कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो किसान खाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग CAN भी बोलते हैं, इसको हम लोग किसान खाद या सफ़ेद चाक भी बोलते हैं, ठीक है? सफ़ेद चाक, हाँ ये भी बोलते हैं, और किसान खाद तो बोलते ही हैं इसको। तो नेक्स्ट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ वाइट ग्रब इज। जो व्हाइट ग्रब रहता है, मैं एक ही पॉलीफोगस इंसेक्ट होता है, ठीक है? मतलब हर हर तरह के क्रॉप में डैमेज कर देता है, ठीक। पर्टिकुलर कोई इसका एक क्रॉप स्पेसिफिक मतलब नहीं रहता जिसको ये डैमेज करता है, ये मतलब यूनिवर्सल है इसका नेचर जो है। तो वो उसका बॉट साइंटिफिक नेम जो है वो होता है होलोट्राइचा कॉन्जेनगुइनिया, ठीक। होलोट्राइचा कॉन्जेनगुइनिया, थोड़ा नाम अजीब रहता है बट एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ नोबेल केन, ठीक है? शुगर केन का है ये आना क्वेश्चन। शुगर केन में नोबेल केन होता है, उसका बॉटनिकल नेम, उसका बॉटनिकल नेम होता है सेचेरम ऑफिसिनेरम। क्या है? सेचेरम ऑफिसिनेरम, ठीक। नेक्स्ट इज द नलिसोमिक प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ गैमेट्स। जो नलिसोमिक होता है वो किस टाइप का गैमेट्स में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो वो रहता है जब हमारा N-1 हो जाता है, मतलब -1 तब होगा, ठीक है? और N+1 है तो क्या बोलना चाहिए? मोनोसोमिक हो जाएगा। हाँ मोनोसोमिक हो जाएगा, ठीक। सॉरी N+1 होगा तो वो ट्राइसोमिक हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो रहा है, और जब माइनस हो रहा है तो फिर वो नलीसोमिक हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको कमेंट्स में इसका आंसर दूंगी। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मुझे पता हो। अगर मैं कहीं पे गलत होती हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे राइट आंसर बता दीजिए। द क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, ठीक है? जब हम लोग का सेल डिवीजन प्रोसेस होता है तो उसमें ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ऑकर हो रहा है? जो क्या बोलना चाहिए, मेटाफेज का सॉरी एनिमल्स में जो मियोसिस होता है, मियोसिस में सेल डिवीजन दो है ना, एक माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस में क्या हो रहा है, जब प्रोफेज होता है, प्रोफेज की और भी बहुत सारी अवस्थाएं रहती हैं, मतलब ये डिप्लोटीन, जाइगोटीन, लैप्टोटीन, पैकेटिन। तो जो पैकेटिन स्टेज रहता है उस टाइम पे हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में, जो मतलब नॉन होमोलोगस जो सिस्टर क्रोमेटिस रहते हैं वो आपस में अपने जो मैटर हैं, जेनेटिक मटेरियल, उसका एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि नए रिकॉम्बिनेशन जो रहते हैं, मतलब न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है? उसी को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। सो आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और भी कुछ टॉपिक, अगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।